हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम आए हुए हैं सुखदेव के अंदर। ये सोनीपत से बिल्कुल पास में है और काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस भी है। अगर आप बाहर से भी आते हो तो जैसे अगर आप NH1 से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली टू चंडीगढ़ या चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो आप यहाँ पर जरूर विजिट करो। काफ़ी फेमस हो चुका है, यहाँ के परांठे काफ़ी फेमस है। तो मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगा कि कैसा परांठे का टेस्ट वगैरह कैसा है यहाँ पे। मैं वैसे तो वीकेंड पे आता ही रहता हूँ यहाँ पे, बट मैंने सोचा कि एक लोग कंटेंट यहाँ से भी शूट किया जाए और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। देख ही सकते हो यहाँ पे पार्किंग काफ़ी होती है और वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो वीकेंड्स पे थोड़ा देख के आना, काफ़ी रश है फिलहाल तो। और ये 24/7 आपको ओपन मिलेगा, आप किसी भी टाइम आ जाओ। आप रश देख ही सकते हो, यहाँ पर आपको सेल्फ सर्विस है। बाकी अब सीट मिलना तो हमें काफी मुश्किल लग रहा है, एक इनका यहाँ पर स्पेस है सीटिंग का। और एक स्पेस ये है, आप देख सकते हो फुली बुक्ड है। मुझे तो लग नहीं रहा यहाँ पे हमें स्पेस मिलेगा बैठने के लिए। सुखदेव का मेन्यू, अगर आपको इसमें से कुछ लेना हो तो पॉज कर लेना, अभी हम देखते हैं इसमें से क्या है। ये परांठे की मेन्यू है, आप इसमें से देख सकते हो, मैं पॉज करके देख लेना। ऑर्डर करा ये पनीर परांठा और ये आलू परांठा और दो मैंगो लस्सी। इसके बाद आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है। आपको यहाँ पे काफ़ी देखो कितना घर का मक्खन मिलता है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बिल्कुल वाइट मक्खन है, द बेस्ट है। आप इसको टेस्ट करके हम बताते हैं ये कैसा है। भाई परांठे का टेस्ट तो यहाँ पे सुपर है, वर्थ है अगर आप यहाँ पे रहते तो। हमें यहाँ पे कम से कम आधा घंटे से भी प्लस हो चुका है यहाँ पे वेट करते हुए, इतना रश होता है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितना रश है। बाकी आपको यहाँ पर इसके साथ प्याज और ग्रीन चटनी मिलती है जो खाने में काफ़ी टेस्टी है, तो आप आगे यहाँ पर ज़रूर इन्हें टेस्ट करो अगर आप यहाँ दिल्ली से चंडीगढ़ या यहाँ NH1 पे ट्रैवल कर रहे हो तो। अभी ऑर्डर करें नूडल्स यहाँ पे, टेस्ट में काफ़ी अच्छे हैं, मैंने टेस्ट तो कर लिया, आप इसे भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आपका चाइनीज़ खाने का कुछ भी मन कर रहा है तो इसे ज़रूर ट्राई करो। तो हमारा टोटल बिल आया 608 रुपये का, ये आइटम्स हैं। बाकी रश बहुत है, अगर आप फ्री टाइम में आ रहे हो तभी आओ यहाँ पे। यहाँ पर काफ़ी फेमस है जो ये रहती है आइसक्रीम के भाई महंगे। हाँ भाई, ये ऐसा सीन है। नाइस नाइस, आपको यहाँ पे काफ़ी फन आइटम जो बच्चों के लिए दिख जाएंगे, आपको ऑप्शंस झूले वगैरह और यहाँ पे शॉप्स हैं। यहाँ पे के यहाँ पे आपको रूम भी अवेलेबल मिल जाएंगे, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो ऊपर, काफ़ी प्यारे रूम हैं। फिर कभी अगर यहाँ पे चक्कर लगा तो आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर आपको काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे अगर आप कुछ परचेज करना चाह रहे हो यहाँ से। कुछ यहाँ पे बार शॉप्स हैं यहाँ पे, एक ये यहाँ का पानीपत का फेमस है चारा में भी, उसकी शॉप है और ये पान वगैरह की शॉप है। और अगर आप थक चुके हो ट्रैवलिंग करके आप मसाज वगैरह भी ले सकते हो, और ये फिशेज वगैरह का भी है, इसके अंदर आप पैर रख के बैठ सकते हो। और बच्चों के लिए झूले भी अवेलेबल है ऑल्सो। तो भाई अब चलते हैं हम घर की तरफ। खाना काफ़ी टेस्टी था, जो भी हमने ऑर्डर करा उसका मैं आपको बता ही सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा खाना था। बट एक ही माइनस पॉइंट मुझे यहाँ पे ये लगा कि आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, मे बी हमने आधा घंटा वेट करा होगा यहाँ पे सीट के लिए। बस एक माइनस पॉइंट मुझे यही लगा, और तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हो, द बेस्ट है। तो ये था अपना आज का व्लॉग, आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कॉमेंट में आप बताना व्लॉग कैसे लगा आपको।